शोभापुर में अवैध रूप से संचालित तेजस्विनी अस्पताल के संचालक और चार के खिलाफ FIR दर्ज। सुहागपुर के ग्राम शोभापुर में पिछले 4 सालों से संचालित किए जा रहे तेजस्विनी अस्पताल के संचालक और अन्य चार के खिलाफ सुहागपुर BMO डॉक्टर रेखा सिंह कौर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। सुहागपुर BMO डॉक्टर श्रीमती रेखा सिंह कौर की शिकायत पर प्रवीण कन्नौजे, नीरज कुमार गुप्ता, आरती गुप्ता, डॉक्टर नीरज सेठी और रोशन के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया। FIR में अस्पताल संचालक और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बिना पंजीयन के अस्पताल संचालित किया जा रहा। अस्पताल में जांच के दौरान कोई भी MBBS डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। बिना अस्पताल के पंजीयन के आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदर्शित किया जा रहा। मरीजों को भर्ती भी कर इलाज किया जा रहा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सूची प्रदर्शित की थी लेकिन अस्पताल में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था। FIR में और भी कई गंभीर आरोप, 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। गौरतलब है 23 अगस्त को सुहागपुर SDM अखिल राठौर ने BMO और अन्य अधिकारियों के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। 25 अगस्त को CMHO दिनेश तलवार ने टीम के साथ निजी तेजस्विनी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल संचालन में कई अनियमितता मिलने के बाद सुहागपुर BMO डॉक्टर रेखा सिंह गौर की शिकायत पर संचालक और अन्य 4 लोगों के खिलाफ धारा 420 अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सर, एक निजी अस्पताल के संचालक और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या है पूरा मामला? शोभापुर में एक तेजस्वी हॉस्पिटल है जिसका संचालक है नीरज गुप्ता। ये अपनी पत्नी आरती गुप्ता के साथ मिलकर इस अस्पताल का संचालन कर रहे थे। तो CMHO होशंगाबाद, BMO सुहागपुर और SDM सुहागपुर, इन्होंने मिलकर एक संयुक्त टीम ने जाँच की थी। इसके आधार पाया कि बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्री के, रजिस्ट्रीकरण के छल करके और जो सुविधाएं हैं नहीं, जो पात्रता इनको है नहीं, उसके बावजूद भी ये एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं, एक अस्पताल का संचालन कर रहे हैं जो कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। तो आज BMO को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था BMO सुहागपुर ने, और जांच प्रतिवेदन के आधार पर इन पर अपराध दर्ज हुआ है धारा 420 के तहत और जो आयुर्वेद एक्ट है उसकी धारा को समावेश किया गया है। सर, आरोपी को अभी गिरफ्तार कुछ नहीं, अभी अरेस्टिंग नहीं। खबर भारतवर्ष के लिए शोभापुर सुहागपुर से राकेश सोनी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।